मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा क्या आप नहीं होंगे, इसको लेकर अब खबर आ रही है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मुनव्वर फारूकी इस बार खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाएंगे। 2 जुलाई से ये शो शुरू हो रहा है, 3 हफ्ते हो चुके, 3 एलिमिनेशन हो चुके, यहाँ तक कि केप टाउन में अब कुछ ही दिनों का स्केड्यूल बचा है और ये पहली बार होगा कि खतरों के खिलाड़ी शूट होने के साथ साथ ऑन एयर भी हो रहा है। तो अब जब 3 से 4 हफ्तों की शूटिंग हो चुकी है, शो अपने अगर मैं कहूँ तो बीच के पड़ाव में पहुँच चुका है, तब अब खबर आ रही है कि पहले मुनव्वर वाइल्ड कार्ड बनकर जाने वाले थे, लेकिन अब वो वाइल्ड कार्ड बनकर भी नहीं जाएंगे और वो इस साल शो का हिस्सा नहीं होंगे। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो अगले साल जो है शो का हिस्सा बने, पर इस साल वो शो का हिस्सा नहीं होने वाले। तो एक बात तो तय है कि अब मुनव्वर फारूकी, जिसका इंतज़ार फैंस बेसब्री से कर रहे थे, उसको लेकर कंफर्म खबर आ रही है कि वो इस साल खतरों के खिलाड़ी में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले जब वो स्पॉट हुए, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर बताऊंगा, जब तक मैं वहां लैंड नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये साफ कहा था कि वो ये नहीं कह रहे कि वो हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से शूट हो रहा है, लगातार एलिमिनेशन हो रहे हैं और मुनव्वर अभी भी मुंबई में है, केप टाउन नहीं पहुंचे, उसके बाद अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस साल मुनव्वर के फैंस उनको खतरों के खिलाड़ी में नहीं देख पाएंगे।